पूरी आयोजन समिति को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने विकेट पर मेहनत की, विकेट को बनाने में हमारे बड़े भाई वीरू बीएसएफ और साथ में गोलू बेलौरा महाराज, आयोजक श्री गब्बर सिंह फौजी, ग्राम प्रधान और सभी का हम निश्चित तौर पर हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। और पांच भाग्यशाली विजेताओं के नाम, कौन सी भाग्यशाली विजेता होंगे जिन्होंने जीता है फाइनल से पहले, उन्होंने सेमीफाइनल से पहले पर्चियां डाली थी। हमारे आदरणीय प्रधान जी के हाथों से वो लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है, बस इतनी पर्चियां आई है, इसी में से पांच पर्चियां आपको निकालनी है। ये वो भाग्यशाली दर्शक हैं जिन्होंने पहले से हमारा किया है, ये खिलाड़ी कोई पांच पर्ची उठा लो बेटा, पांच पर्चियां उठा ले, उठाओ इसमें से पांच पर्चियां उठा ले, एक एक करके पांच पर्चियां उठा ले, और उठाओ दो और उठाओ, एक और उठाओ, तीन और उठाओ, चार एक और उठाओ, पांच, ये पांच भाग्यशाली विजेता होंगे हमारे सामने। और यहाँ से सेमीफाइनल से लिया गया था, जो हार गई उसको बाहर कर दीजिए, हाँ उठाइए उसको चारों, पांच भाग्यशाली विजेताओं। और विपिन इलेवन टीम के कप्तान से गुजारिश है, अपने को यहाँ बुला लें प्लीज, आप लोग बुला लें। देखिए ये हारने वाली लिस्ट है जिनका नाम था, ये फाइनल हार गई है टीम। नेक्स्ट, दोनों टीम के कप्तान और खिलाड़ी यहाँ पर हमारे, पांच पर्ची हो गई राशिद की, चलिए राशिद इलेवन की पांचों भाग्यशाली विजेताओं की बात की जाए, जय भैया तो नाम कौन है ये देखने वाली बात होगी। धोनी जी, त्रिनेत्र सिंह बेलहा, त्रिनेत्र सिंह बेलहा आ जाएं, जिन्होंने राशिद इलेवन पर अपना दाव लगाया था और वो विजेता हुई है, आते रहे जिनका नाम अनाउंसमेंट हो रहा है। और दूसरे हैं धोनी भाई, जो हर बार इनाम पाते हैं, उनकी पिछली बार फरीद पर लगाए थे, इस बार राशिद इलेवन पर लगाया है धोनी भाई डेरवा, धोनी डेरवा। ये तीसरा नाम इसमें नहीं लिखा, मोबाइल नंबर लिखा है, इस पे कॉल करके पूछा जाए, नाम अपना नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखा गया है इस पे। चौथा इनाम आर्यन सिंह का निकला है, आर्यन सिंह राशिद इलेवन पर दांव लगाए थे, यंग ग्रीनलैंड के कप्तान, भतीजे साहब आपका इनाम आ गया है। और अखिल भैया एक मेरा स्वयं का निकला हुआ, चलिए आपका भी इनाम है, छोटे ठाकुर का भी इनाम आया है। ये वो पांच भाग्यशाली दर्शक हैं, विनर और रनर दोनों टीम के खिलाड़ी आ जाए और नाश्ता कर ले पहले, लंच करे उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी। सबसे पहले इस प्रतियोगिता की चार चांद लगाने वाले हमारे लाइनमैन, हमारे लाइनमैन जिन्होंने बहुत बखूबी से अपनी ड्यूटी निभाई है, और अखिल भैया गेंदों को जिस तरह उन्होंने लेके यहाँ पर पहुंचाया है मैच को इतना अच्छा सा, इन लाइनमैन सबसे पहले हम लाइनमैन अहम को याद करना चाहेंगे, बहुत अच्छी ड्यूटी, जोरदार तालियां, दोनों टीमों के दर्शकों से जोरदार तालियां बजाते रहे। गेंद को कवर करने वाले हमारे वॉलंटियर हैं, छोटे लाइनमैन अहम, कैमरामैन ऐसे घुमाते रहिए भैया, लाइनमैन जरूर आने चाहिए अतीक भाई, चाहे एक बार खिलाड़ी छूट जाएं हम छूट जाएं, लेकिन लाइनमैन नहीं छूटने चाहिए। ताले भाई, ये लाइनमैन इस टूर्नामेंट के खूबसूरती हैं, खूबसूरती चार चांद लगाते हैं लाइनमैन। तीसरे शिवम, एक और लाइनमैन शिवम के बाद राज, रात के बाद प्रियांशु, एक एक करके आएंगे बेटा, आप आ जाइए, जाओ और इधर गब्बर उधर देखिए, लगातार लाइनमैनों का सम्मान किया जा रहा है, हर साल तालियां बजाइए लाइनमैन के लिए भैया। राज इधर, राज आ जाएं, जल्दी आ जाओ बेटा, चलते रहो बेटा। प्रियांशु के बाद सूर्या, सूर्या आ गया,
दौड़ के आओ बेटा। सूर्या के बाद मोहम्मद इस्माइल, इस्माइल आ जाएं। जैसा नाम है वैसा काम, चेहरे की मुस्कान, वाह। और लाइन मैन के सरताज मिस्टर गोपाले, गोपाले गोपाले आ जाओ। कौन है? शोएब, चलो आ जाओ। अभिषेक आते रहें एक एक करके। और साहिल, और आखिरी है युवराज। साहिल और युवराज, युवराज आ जाएं। युवराज दौड़ के आओ। एक है खत्म कर, और एक और राहिल हो गया, आ गए हैं। चलिए ये हमारे लाइन मैन रहे। बेस्ट दर्शक का इनाम, पहला इनाम मोहम्मद बाबू भाई डेरवा। बाबू भाई डेरवा आ जाएं। जोरदार तालियां, लगातार पांचों दिन मैच का अवलोकन किया है बाबू भाई डेरवा। हमारे बड़े भैया श्री महेंद्र प्रताप सिंह कप्तान साहब के हाथों से इनाम वितरित किए जा रहे हैं, साथ में हमारे आदरणीय श्री वैभव शुक्ला जी। पुरस्कार वितरण आईस्टीन प्रबंधक वैभव शुक्ला जी की तरफ से दिया जा रहा है। अश्विनी आचार्य जी भूतपूर्व ग्रीनलैंड के कप्तान, लालता पासी पुरवारा, कमलेश सरोज, श्री बच्चा तिवारी जी नहीं मिले चलते, लगातार इनाम कमलेश सरोज जी, बच्चा तिवारी हरनहार, बच्चा तिवारी हरनहार भी आ जाएं। ओके चलिए अब अगला पड़ाव आता है। सबसे पहले मोहम्मद मुर्तजा है हमारे कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी है लाइन मैन में भी और पूरे पिच की रिपोर्ट में भी। मुर्तजा, मुर्तजा आ जाएं। जोरदार ताली बजाइए, ये सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा इन्होंने समय दिया है पूरी पिच को तैयार करने में, कल इनकी अहम भूमिका थी। खिलाड़ी नहीं लगा था। आपके लिए पैसा भी आया हुआ है कुछ, वो अभी अजय शुक्ला जी की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। ये नितिन पंडा दूसरे कार्यकर्ता हमारे, नितिन पंडा। चलिए नेक्स्ट आ जाए बंटी। हेलो, इसको नीचे रखिए, इसको नीचे रखिए। हाँ कर देंगे। बंटी अवेलेबल है यहाँ पे? ठीक है भैया। बंटी ननकाऊ, बंटी ननकाऊ, मोहित, ठीक है, विपिन सरोज, सातेंद्र सिंह, बबलू शूटर आते रहे, सातेंद्र सिंह जिनके गे, चलिए बबलू शूटर, और आखिरी कार्यकर्ता है मिर्ची जी। मिर्ची ठीक है, जो नहीं है उपस्थित है उनका इनाम बाद में दे दिया जाएगा। चलिए मिर्ची है तो आ जाए। चलिए अब इसके बाद पांच लकी ड्रा के विजेता, पांच लकी ड्रा के विजेता धोनी डेरवा अगर मौजूद हो तो आके पुरस्कार ले ले, अन्यथा आपका पुरस्कार आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। धोनी डेरवा, दूसरे आर्यन सिंह जिन्होंने राशिद 11 पर दांव लगाया था और उनकी चहेती फाइनल विजेता हुई है। आर्यन सिंह इधर आ जाइए, आर्यन सिंह। और त्रिनेत्र सिंह बिलहा, त्रिनेत्र सिंह जिन्होंने राशिद 11 पर दांव लगाया था और उनकी टीम विजेता हुई है। लल्लन डीजे वाले, जो माइक सिस्टम आप सुन रहे हैं, इन्होंने भी राशिद 11 पर दांव लगाया था जी। लल्लन टॉप इलाहाबादी, एक मैं स्वयं हूं अखिल भैया राशिद 11 वाले पे, और धोनी भाई का इनाम रख दिया जाए जी। बिल्कुल, आपने भी प्रोडक्ट किया था तो बिल्कुल आप इनाम के हकदार हैं, यहां से इनाम जीता है। जय भैया। ये अभी अगले क्रम में हम चलते हैं,
पांचे रन। हाँ हो गया, हो गया पांच। एक वो धोनी डेरवा का नहीं आया है जी। कोई बाबू भाई अगर हैं, अगर डेरवा में धोनी भाई को दे सकते हैं तो उनको दे दिया जाएगा। चलिए पूरे मैच में शानदार स्कोरिंग करने के लिए जिन्होंने पूरा लेखा जोखा तैयार किया है और पूरा कीमती समय दिया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ऐसे इसमें प्रथम स्थान पर आते हैं सुधाकर तिवारी। सुधाकर तिवारी कम अप प्लीज। सुधाकर तिवारी विशेषज्ञ, यह पुरस्कार स्कोरर की तरफ से आशीष सिंह प्रधान और बड़े भैया महेंद्र सिंह की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरे क्रम में आशीष शुक्ला, आशीष शुक्ला, आशीष शुक्ला आ जाएं। तीसरे पे हैं विजय शुक्ल जी, हमारे स्कोरर विजय शुक्ल जी, विजय शुक्ला भी आ जाएं। विजय शुक्ला ठीक है। चलिए अब अंपायर इस पूरे प्रतियोगिता को चार चांद लगाने के लिए जिनके निर्णय से गेंद इधर या उधर होती है, जी हां निर्णय की भूमिका अदा करने वाले हमारे अंपायरों के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं, उन्होंने बहुत अच्छी अंपायरिंग की है निश्चित ही। सबसे पहले सज्जन शुक्ला जी, जी सज्जन शुक्ला कम अप प्लीज। सज्जन शुक्ला जी जोरदार तालियां इधर देखिए जी। दूसरा वीरू बेअशफ, वीरू बेअशफ बड़े भैया ने शानदार भूमिका निभाई है, पिछले 12 दिनों से लगातार ग्राउंड में ही अपना समय दिया हुआ है इस पिच को तैयार करने में अहम भूमिका। करण पुरवारा, करण पुरवारा, करण भाई। और चौथे अंपायर की भूमिका में सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह। और अंतिम अंपायर जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की विपिन शुक्ला, विपिन शुक्ला ठीक है। चलिए अब आवाज के जादूगर कहे जाने वाले हमारे कमेंटेटर जिनकी आवाज की दीवानी पूरी फैन हो चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जी हाँ श्री अखिलेश मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, मंत्रमुग्ध कर दिया है अपने आवाज से सभी को। चलिए नेक्स्ट, आपके जिस पे आपने क्रिकेट खेला बीच में व्यवधान आया और पूरी पिच की तैयारियों में जोर दमखम दिखाने वाले पिच क्यूरेटर अभिषेक उपाध्याय जी, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी अपने दिमाग से कब कितना पेट्रोल कहां कितना ज्यादा डालना है। सुधाकर चलिए पूरे प्रतियोगिता ट्रॉफी ला लीजिए पूरी। अब पूरे प्रतियोगिता में सर्वोच्च बॉलिंग किसने किया है यह इनाम नाम है गोस टू मिस्टर विशाल यादव, विशाल यादव, हैंड्स फॉर विशाल यादव, बहुत अच्छी बॉलिंग की हुई है विशाल यादव, विशाल यादव, विशाल यादव पूरे बेस्ट बॉलर का खिताब जाता हुआ बेस्ट विशाल यादव के। शानदार अपनी गति से जिस तरह से परेशान किया बल्लेबाजों को काबिले तारीफ है विशाल यादव। जी हाँ अगले क्रम में बेस्ट बल्लेबाज सर्वोच्च बल्लेबाज इस प्रतियोगिता का मिस्टर हरीश मंसूरी, हरीश मंसूरी लखनऊ कम अप प्लीज। हरीश मंसूरी जी आए जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध किया था पूरे दर्शकों को और निश्चित ही अपने टीम को फाइनल तक लेके गए हरीश मंसूरी। अब सेमी फाइनल मुकाबला का एक मैन ऑफ द मैच रह गया था विशाल यादव, विशाल यादव आप आ जाए, एक मैन आपका सेमी फाइनल का मैन ऑफ द मैच रह गया था उसे ले ले। और अब बारी है फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच की जिनके दमखम से यह मुकाबला हुआ, रंजीत बनारस प्लीज मैन ऑफ द मैच, रंजीत मैन ऑफ द मैच, ऑफ द मैच
रंजीत बनारस 8 बॉलों से 29 रन बनाए, ताबक तोड़ शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है रंजीत बनारस को। अब समय है इस प्रतियोगिता के सर्वोच्च खिलाड़ी का, जिसने अपना सबसे उम्दा प्रदर्शन किया है। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा, जिसमें तीन नाम शामिल थे, सुमित बाबा जिन्होंने 3 मैच में सेमीफाइनल तक का स्कोर किया गया है, 94 रन बनाए थे लीग क्वार्टर सेमीफाइनल में, हैरिस ने 110 रन, और शकील जो होते हैं इस मैच के, इस प्रतियोगिता के, इस महामुकाबले के मैन ऑफ द सीरीज, जिन्होंने 105 रन बनाकर 4 खिलाड़ियों को भेजा था। शकील मैन ऑफ द सीरीज, वेल प्लेड शकील। 5,000 रुपए और एक चमचमाती ट्रॉफी ब्लॉक प्रमुख बाबागंज की तरफ से दिया जा रहा है। आदरणीय माननीय श्री पंकज भैया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, मैन ऑफ द सीरीज शकील बने हैं। अब हम सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, उस क्रम में सबसे पहले उप विजेता टीम आएगी, ठीक है। उप विजेता टीम की नामावली सही है ना? अफरीदुल कम अप प्लीज, उप विजेता टीम के खिलाड़ी अफरीदुल आ जाएं। तनवीर हसन, ताली बजाते रहे भैया, तालियां बजनी चाहिए। तनवीर हसन हो गया लेकिन उत्साह वर्धन करते रहिए। अरविंद भाई हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज अरविंद, अरविंद आ जाए, आ जाए भैया। अगर वो नहीं अवेलेबल दूसरा खिलाड़ी आके ले ले। अंकुर यादव, अगर वो नहीं है दूसरा खिलाड़ी, विशाल यादव, विशाल फैजाबादी, सुमित बाबा टीम के कप्तान, प्रयास जरूर था जारी लेकिन आखिरकार यशवंत आ जाए, हार्दिक कैलिस और ये कमरान और शामा तो थे नई टीम में, 12 सदस्य, तो 12 सदस्य टीम है, ते इनाम हार्दिक और साथ में 12 सदस्य। चलिए हेलो, अब बारी इस विजेता टीम के, विजेता टीम के जिन्होंने 2024 ढिंगवस कप का प्रतियोगिता अपने नाम की है। सबसे पहले सहवाज मैक्सी, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत अच्छी कैप्टन सब की है और अपनी टीम को शहवाज मैक्स 2024 का नेक्स्ट। रवि बनारस, नाम नहीं एक ब्रांड क्रिकेट का, बल्ला चला नहीं आज लेकिन फिर भी नाम ही काफी है, रवि बनारस, रंजीत बनारस नेक्स्ट आते रहे, जैद खान, सहवाज, ताली बजाते रहे भैया, देखिए ठंडे मत पड़िए, क्रिकेटर्स हैं आप। डीएसटी बुलेट कप का हीरो, सेमीफाइनल में शतक, युवराज शहनवाज आए हैं सबसे पहले, अब युवराज, जैद खान, चलिए जैद खान आए हैं, बेहतरीन तेज गेंदबाज जैद खान, हर मैदान पर फतह, यहां से आजाद कप और उसके बाद कप पर खिताब पर कब्जा किया है राशिद अलेबर ने, युवराज, हरीश मंसूरी, हरीश मंसूरी लखनऊ, वकार हैदर रायबरेली एक्सप्रेस, आदर्श, आदर्श लखनऊ एक्सप्रेस भी आ जाए साथ में, बलराम, बलराम पांडे निश्चित ही, शकील अहमद, शकील आ जाए, और 12वें खिलाड़ी सोनू दिवाकर, सोनू दिवाकर भी आ जाए, नहीं ये हंडिया के सबसे होनार खिलाड़ी हैं, बलराम, चलिए शकील, शकील और सोनू, सोनू दिवाकर प्लीज। चलिए अब बारी आती है इस प्रतियोगिता के उप विजेता की, जिनको 25,000 रुपए का नगद इनाम और एक चमचमाती ट्रॉफी। सुमित बाबा एंड विपिन शुक्ला, कम ऑन प्लीज, प्लीज कम ऑन, उप विजेता जोरदार तालियां और चमचमाती ट्रॉफी, जोरदार तालियां बजाइए, विपिन शुक्ला और सुमित बाबा, एंजल टेंट हाउस को ओनर विपिन शुक्ला की टीम, हालांकि उप विजेता मैच का पुरस्कार दिखाया है, आइस टीम प्रबंधक श्री विभूषण शुक्ला जी और ब्लॉक प्रमुख बाबागंज की तरफ से दिया गया। अब विजेता, अब विजेता बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, अब अनाउंसमेंट आपके आखिरी पड़ाव का है, 50,000 इनामी राज गोस टू बाबा राशिद 11 कैप्टन,
राशिद एंड विक्रम सिंह सहवास तीनों आ जाएं। आ जाए भाई, जो जो आपके आधार कड़ी है इस टीम की, तीनों आधारशिला रखने वाले खिलाड़ी हैं। राशिद आ जाए, कम ऑन प्लीज। विक्रम भाई टीम के ओनर आइए, विक्रम सिंह कैप्टन कोल, साथ में सहवाज मैक्सी भी आ जाए। सारे चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगा ये विजेता ट्रॉफी प्रदान करें, विजेता ट्रॉफी और 50,000 रुपए का नगद नगद पुरस्कार। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां पेरेंट्स। और हैट्रिक के नाम के जी जी, हाँ दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं। ये प्राइस सेरेमनी खत्म हुई। अब प्रतियोगिता के जिन्होंने इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया उनके लिए सबसे पहले रंजीत यादव को 1500 रुपए का। हेलो रंजीत यादव, 1500 रुपए हैट्रिक छक्के लगाकर इनाम जीता था। जोरदार तालियां रंजीत यादव के लिए। हालांकि बल्ला थोड़े से जल्दी खामोश हुआ। अब तीन खिलाड़ी जिन्होंने कैच पकड़ा था, सूरज गोलू बिलौरा और नीरज चार्ज की तरह विशाल को 550 रुपए। विशाल आ जाए, विशाल यादव 550 रुपए का इनाम जीता। हैरिस मंसूर को क्लीन बोल्ड किया था और हार्दिक, हार्दिक 100 रुपए का, 100 रुपए का शारदा पटवा और अजय शुक्ला की तरफ। हार्दिक भाई आ जाएं, ये 50 ले बना आपके ऑनलाइन। हार्दिक 100 रुपए। और रवि बनारस को बोल्ड करने पर अंकित और नरई प्रधान, विपिन शुक्ला और रोहित 800 रुपए का इनाम। 800 रुपए बल्लू को, बल्लू भैया आ जाइए, बल्लू 800 रुपए का इनाम। विपिन शुक्ला, रोहित मिश्रा और ये इनाम भिजवाते हैं प्लीज। हाँ विपिन शुक्ला और रोहित मिश्रा 400 रुपए का इनाम भिजवाते हैं। दे दीजिए इनाम, जाइए। ठीक है ठीक है, टीम ऑनर है वो दे देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट। अब तीन खिलाड़ियों ने कैच पकड़ा था, गोलू बेलौरा और नीरज तिवारी जी की तरफ से 200 का इनाम था। पहले है सूरज, सूरज आ जाए, सूरज करण पुरवारा, ठीक है कर दिया जाएगा, और सरफराज डेरवा। इन तीन खिलाड़ियों को 200 रुपए का पुरस्कार आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और आखिरी क्षणों को, आखिरी लम्हों को कैद किया जा रहा है कैमरे में अतीक भाई के। और भगवान ने चाहा तो अगली साल इससे बड़े मुकाबले में एक बार फिर से मिलेंगे अपनी पूरी आयोजन समिति के साथ। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।